गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माय नेम इज विजेंद सिंह आई एम एस एस टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर टेन इन ज्योग्राफी नाउ टू डे टॉपिक लाइफ लाइफ इन द टेम्परेट ग्रास तो हम आज जो है टेम्परेट ग्रास यानी घास के मैदान जो है उनके बारे में पढ़ेंगे वहाँ का जीवन कैसा होता है ठीक है ग्रास लैंड आर डिफाइंड एज ए प्लेस वेयर ग्रासज प्री ओवर ट्रीज एंड एंड स्टप्स तो घास के मैदान ज़्यादातर हम उस उन क्षेत्रों को मानते हैं जहाँ पर जो है पेड़ और झाड़ियाँ जो है सर्वाधिक पाई जाती हैं लेकिन आज हम बात करेंगे देयर आर टू मेजर काइंड्स ऑफ ग्रास इन द वर्ल्ड विश्व में जो है दो प्रकार की घास के मैदान पाए जाते हैं वन इज सवाना अनदर इज एंड टेम्परेड ग्रास तो एक तो सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं दूसरा टेम्परेट घास के मैदान पाए जाते हैं तो इन दोनों में क्या अंतर होता है सवाना are defined to as a place where individual shrubs and trees are scattered scattered among the grasses तो ऐसे मैदान जहाँ पर पेड़ हैं और इसके अलावा झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं तो इस तरह के मैदान को हम सवाना घास के मैदान कहे जाते हैं इन द इन टेम्परेड ग्रास लैंड जो जो टेम्परेड ग्रास लैंड होते हैं जी घास के मैदान किस प्रकार के होते हैं ट्री एंड स्ट्रब्स आर कंप्लीटली एबसेंट और रेयर तो जो पेड़ और झाड़ियाँ जो होती हैं वो पूरी तरह से यहाँ विलुप्त होती हैं या आप कहिए कभी कहीं का ये का इक्का दुक दुक्का पेड़ या घास का झाड़ियाँ बड़ी आपको दिखाई दे जाएंगी अदरवाइज छोटी छोटी घास ही पूरे मैदानी भागों में पाई जाती है तो इसे हम जो है टैम्परेट ग्रास लैंड कहते हैं इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द टू टेम्परेट ग्रास लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द बेल्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान है उन्हें प्रेरीज कहा जाता है इसके अलावा साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान है उन्हें बेल्ट कहा जाता है ठीक है तो द प्रेरीज के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे द प्रेरीज आर फाउंड बोथ बोथ इन द यू एस एंड कनाडा तो प्रेरीज घास के मैदान जो है अब यू एस और कनाडा दोनों में पाए जाते हैं द वर्ड ऑफ प्रेरीज इट ड्रिफ्ड फ्रॉम प्रेटा 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 जो शब्द है उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है प्रेरीज शब्द बनाया गया जिसका अर्थ होता है मिडो यानी घास के मैदान या ठीक है ग्रास लैंड ऐसा घास के जो मैदान होते हैं उसे कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट द प्रेरीज लाई बिटवीन द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट अगर पश्चिम में जो रॉकी पर्वतमालाएँ हैं वहाँ से लेकर एंड ग्रेट लेक रीजन ऑफ कनाडा एंड यू एस ए इन द ईस्ट पूर्व में जो ग्रेट लेक रीजन है कनाडा और यू एस ए के बीच में तो इसके बीच में यहाँ इस घास के मैदान का जो विस्तार मिलता है इसके अलावा चरन चैरनजेम विच इज़ द बेस्ट सॉइल तो एक तरह की मिट्टी होती है चैरोंजेम जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वीट मेक दीज ट्री लेस प्लेन एक्सट्रीमली फर्टाइल तो ये जो ये जो ट्रीलेस फील्ड uh, होता है आप जिससे ये जो uh, जो पूरा प्लेन है ये पूरा मैदानी भाग जो पेड़ों से रहित होता है यहाँ पर जो गेहूँ की बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ की जमीन उपजाऊ होती है ठीक है मैनी रिवर्स ड्रेन नदी रीजन इस इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं इंक्लूडिंग द ग्रेट मिसिसिपी एंड इस ट्रेब्यूटरीज ठीक है तो यहाँ जो है एक नदी जो मिसिसिपी है वो और उसकी सहायक नदियाँ भी इसी क्षेत्र में बहती है द कैनेडियन प्रेरीज इंक्लूडिंग द प्रोवेंस फ्रॉम अलबार्टा एंड ओंटेरियो ऑनटेरियो और अलबार्टा के बीच में इन द यू द प्रेरीज एस ए में अगर प्रेरीज का विस्तार की बात करें तो ये जो है नॉर्थन सेंट्रल स्टेट ऑफ मॉन्टाना टू विस्कसिन विस्कनसिन उस मॉन्टाना से लेकर विस्कनसिन के बीच जो पश्चिम में है टू ईस्ट ठीक है इसके अलावा नॉर्थ डेकोटा टू किन्सास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच जो है डेकोटा से लेकर किन्सास के, के बीच में ये मैदानी बाग ये घास के मैदान पाए जाते हैं इसके अलावा द प्लीरीज हैव ए फ्लैट एंड स्लाइटली अन डायलोटिंग ट्रेंड्स टेरेंस ठीक है टेरेंस द लैंड राइज टू ए हाइट ऑफ अबाउट नाइन्टी मीटर्स इन द वेस्ट पश्चिम की अपेक्षा ये नौ सौ मीटर ऊँचे हैं भाग अलॉन्ग द स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेंस तो जो रॉकी पर्वत मालाओं के जो ढाल हैं वहाँ ये पाए जा शुरुआत होती है ठीक है एंड द स्लोप जेंटली स्ट्रेच टुवार्ड दू तो जो स्लोप है जो पूर्व तक की ओर आता है पश्चिम से होता हुआ पश्चिम से जो जो रॉकी पर्वत मालाओं के जो स्लोप होते हैं जो पूर्व की ओर आते हैं तो ये जो इस साइज पे जो है ये घास के मैदान पाए जाते हैं द एरिया ऑफ ड्रेन बाई मैनी रिवर्स तो ये यह यहाँ जो है ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें बहुत सारी नदियाँ होती हैं लेक और बहुत सारी झीलें भी यहाँ पाई जाती हैं सच एज़ सच एज़ सच कैंवन सस कैं एंड विनी पैग लेग इन कनाडा तो ये कनाडा की ये दो झीलें हैं जो यहाँ पाई जाती हैं इसके अलावा एंड मिसिसिपी रिवर इन द यू एस एंड डेड ट्रिब्यूटरीज ठीक है तो मिसिसिपी और मिजोरी जो नदियाँ हैं यू एस ए की वो भी यहाँ इस क्षेत्र में बहती हैं और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं इनकी सहायक नदियाँ भी इसी क्षेत्र में बहती हैं तो इसलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हमको जो है क्लाइमेट के बारे में पढ़ाएंगे तब तक तो के लिए थैंक यू